चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छागल्पदुर्गस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द प्रियाद्वैतगदाधर निवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा हरे राम राम। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट कृष्णपाद अष्टोदर सप्तमी श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साक्षांग धन्यवाद। तत्पश्चात मुझे सिख्या गुरुपाद पद्म नितिलीला प्रवेश भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितिलीला प्रवेश बामन गोस्वामी महाराज नितिलीला प्रवेश भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को चरण सरोजनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण कर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा दिन है। आज श्री सविता दीदी घर में और श्री प्रभु जी के घर में आज हम लोग ने चंद्रकांत इनके घर में हम लोग आज हरि कीर्तन और भगवान की कथा करने का हम लोगों को सुजोग मिला है। भगवान कथा की बड़ी महत्व है। एक समय भगवान द्वारका में कृष्ण रहते समय उन्होंने एक यज्ञ के अनुष्ठान किया है जिस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने स्वागत किया। बड़े सुंदर वेदी बनाई जहाँ पर चंदन की लकड़ी गैया घी हवन सामग्री का व्यवस्था की गई, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं बलदेव वसुदेव महाराज देवकी और उनको सार 16108 रानियां जिसे यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हैं और सबके सब ऋषि मुनि लोग जब हवन सामग्री डाल रहे थे हवन कुंड में इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा हाँ अग्नाय स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। कहते नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ होता है जब तक उसका आहुति नहीं हो जाए बीच में बंद नहीं करनी चाहिए, पूर्णाहुति को बाद में बंद करनी चाहिए। स्वाहा स्वाहा कर रहे थे आज सभी लोगों ने देखा कि आकाश से एक ज्योति उतरते हुए सब लोग देखने लगी इतना बड़ा ज्योति कहाँ से उतर रहा है। देखते देखते जब धीरे धीरे ज्योति नीचे आने लगा देखा ज्योति नहीं कोई एक इंसान दिख रहा है। जब थोड़ा नीचे आ गया देखा इंसान नहीं वो स्वयं श्री नारद ऋषि हाँ प्रभु का कीर्तन करते हुए वीणा बजाते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल करते करते श्री नारद जी आ गए। नारद जब आए वसुदेव महाराज खड़े हो गए भगवान कृष्ण खड़े हो गए बोले हवन बंद करो यज्ञ को बंद करो क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे थे साक्षात फल स्वयं आ गए। यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं
और यज्ञ के लिए जितने हवन सामग्री था, जितने घी दूध दही जो कुछ फूल धूप दीप सब था। कहते श्री नारद जी को भगवान जिस सिंहासन में बैठते हैं वो सिंहासन में बैठा दिया भगवान स्वयं वसुदेव महाराज देवकी सब रानी मिलकर के नारद जी को चरण धोए पंचामृत से, और भगवान स्वयं चरणामृत ग्रहण किया नारद जी के, और उनका चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में शांति वाली जानते हो ना, जो शांति हो पानी को उन्होंने पूरा द्वारका में हमारा शांति हो मंगल हो वो पानी का छिड़काव करवाए, और उन्होंने नारद जी को बैठा करके श्री वसुदेव महाराज स्वयं बोल रहे, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म, कहते ये जो मानव शरीर है बड़े भागमा न सतन पावा, ये शरीर बड़े दुर्लभ शरीर है, लेकिन दुर्लभ शरीर में और सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? बोले तत्रापि दुर्लभ मन्ने, कहते उससे भी दुर्लभ है। बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अगर किसी शुद्ध भक्त का दर्शन मिल जाए, कहते मानव जन्म दुर्लभ तो है ये, उससे भी दुर्लभ है जीवन में कभी शुद्ध वैष्णव का अगर दर्शन मिल गया, भगवान के अगर दर्शन मिल गया। शास्त्र में बताया भगवान का दर्शन से जो लाभ है उससे ज्यादा लाभ है संत दर्शन से। जो संत है ये चलते हुआ साक्षात तीर्थ स्वरूप है, इसलिए अब भगवान के पास में जाओ दर्शन करो। हाँ प्रभु का दर्शन किया इतना, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, ठाकुर हमसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेगा कौन है? संत है, भक्त लोग बोलेंगे। इसलिए अगर कभी भगवान के दर्शन हो जाए अगर प्रभु अगर कुछ बोलेंगे, प्रभु यही बोलेंगे मेरे भक्त का संग करो। इसलिए जब ध्रुव जी को भगवान दर्शन दिया, भगवान ने बोले बेटा भर मारो, ध्रुव कहते प्रभु आपके संतों का संग दे दो। भगवान का ध्रुव मैं स्वयं भगवान तेरे को मिल गया, फिर मेरे भक्त का संग क्यों चाहते हो? बोले प्रभु आज जो आप दर्शन मिले कैसे मिले? उस नारद जी की कृपा से ही आप दर्शन मिले। अगर आपके साथ में रहेंगे ना आप थोड़ी आपकी कथा सुनाओगे, आपकी कथा तो आप भक्त ही सुनाएंगे, और आपकी भक्तों का अगर संग करे, आपकी अगर हम कथा श्रवण करे, ये मन अपने आप का आपके चरण में लगा रहेगा। इसलिए अगर किसी भक्तों का कृपा के बगैर अगर भगवान भी दर्शन हो जाए, कदा हमारा कोई लाभ नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिया, बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं? देखा है ना, लेकिन क्या रावण का हृदय परिवर्तन हुआ है? मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं? कि जो भगवान को दर्शन करे तो भवबंधन दूर हो जाता है, लेकिन मेघनाद ने शक्ति से लक्ष्मण को रुख किया है, लक्ष्मण को उन्होंने शक्ति से मारा है। साक्षात परम ब्रह्म भगवान और लक्ष्मण को नागफास बंधन में बांध दिया, कौन? मेघनाद। क्या राम को दर्शन करके उसका कोई कल्याण हुआ है? भगवान को दर्शन करके भी भगवान को नागभास बंधन में बांध देता है, रावण साक्षात देख रहे कर रहे क्या? बोले वनवास के दो छोकरे कहा वन में भटकने वाले, भगवान को ऐसे बोल रहे थे। मेघनाद ने जब उनने जब लक्ष्मण को बर में ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, पाशुपात अस्त्र प्रयोग किया, नारायण अस्त्र प्रयोग किया, लेकिन सबके सब लक्ष्मण को परिक्रमा करके चले गए। मेघनाद ने रावण को समझाया, अगर बचना चाहते हो ये साधारण नहीं जा करके शरणागत हो जाओ। बोले वनवास की जो छोकरे भगवान हो गए, हाँ इसलिए चिंता मत करो मैं हूं, और भगवान के साथ में लड़ाई कर रहे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवान भी हमें मिल जाए हमारा कोई लाभ होने वाले नहीं है, अगर भक्त का अगर कृपा नहीं हो। हाँ जैसे कंस कृष्ण को देखा कि नहीं, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए कितने दैत्य को उसने भेज दिया, अभासुर बकासुर सकटासुर कितने। और जिस समय राम लक्ष्मण मथुरा में आते हैं, चारणों मुष्टि को साथ में उनको युद्ध होता है, स्वयं चारणों मुष्टि को युद्ध कर रहे हैं कृष्ण बलराम से, हाँ और थोड़ी सी मौका मिले तो पछाड़ दे दोनों को,
साक्षात भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं और मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इतना जिनका बाहु में बाहु छाती में छाती जंग में जंगा युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भावना क्या है, सूर्य को पाते ही इसका खत्म कर दे। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, कहते ये भगवान को तो दर्शन किए, इतना नजदीक संग इनका मिला है, कोई लाभ नहीं। क्यों लाभ नहीं हो? शास्त्र कहता है अगर किसी सदगुरु की कृपा नहीं हो, जब तक भक्तों की दर्शन नहीं हो, भक्तों की कृपा नहीं हो, और अगर कोई भगवान भी मिल जाए हमारा कोई भी लाभ होने वाले नहीं। अगर कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाएगा ना, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। कारण क्या है? कारण है कहते भगवान को कैसे पहचाना जाता है, कहते प्रेम को द्वारा। भगवान को प्रेम को द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। प्रेम से पहले अगर भगवान आएंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, वसुदेव कह रहे हैं, एक तो मानव जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है जब जीवन में किसी सुत भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन मिले। हाँ, इसलिए यहाँ पर और देखो कितने बड़े यज्ञ कर रहे थे, विश्व शांति महायज्ञ है, जहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग, जहां पर कितने टन घी मगाए, गया घी, जहां पर चंदन की लकड़ी, इतना बड़ा धूमधाम से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन बीच में नारद आए तो बंद कर देते हैं यज्ञ को। बोले यज्ञ करने का जरूरत नहीं, यज्ञ का तो फल आ गया। शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है हम जो कुछ करते हैं, यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति। विश्व में शांति कैसे हो? हाँ, शिक्षा तो शांति कैसे मिलेगा? जीवन में शांति तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बोले तत्प्रसादात पराम शांति, कृष्ण कहते मेरी कृपा से, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? जब भक्तों का कृपा हो, भक्ति हो, भक्ति कहाँ से मिलेगा? बोले भक्ति मिलेगा भक्तों का संग से। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं जीवन का सबसे बड़ा फल है जीवन में जब हमें कोई शुद्ध वैष्णव से मिल गए, भक्तों से अगर मिल गए तो समझा हमारा जीवन धन्य हो गया है। किंतु भक्तों को द्वारा ही भक्ति मिलता है। देखो ये लोग अंग्रेजी लोग हैं, बिस्कुन में जाओ जैसे तिलक लगाए, गला में कंठी, हाथ में माला, देखो इनके अंदर में भक्ति भावना कहाँ से आएगी? किसने जगाया? क्या भगवान राम कृष्णा ने जगाया इनके हृदय में? भगवान नहीं है, कौन आए? साधु आए। भक्त लोग आकर जीवन को परिवर्तन करते हैं। इसलिए इनके हृदय में भी प्रभु का नाम भक्ति, देखो कैसे दिन भर माला लगे प्रभु का भक्ति में मस्त है, लेकिन जीवन अगर किसी ने परिवर्तन किया तो भक्त लोगों ने करते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री नारद ऋषि कहते हैं, ये श्री वसुदेव महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, सबसे बड़ा जो दुर्लभ है भगवान का संग नहीं भक्तों का संग है। अगर भगवान अगर किसको पर कृपा करते हैं, ठाकुर किसको पर कृपा करते हैं, इनका कृपा का यही फल है जब किसी भक्तों का दर्शन मिले। श्री विभीषण जी कहते हैं, जो रघुवीर मेरे अनुग्रह की ने, जब मेरे रघुवीर राम प्रभु ने मेरे अनुग्रह की ने, तब उनकी कृपा से, कहते हनुमान प्रभु राम की कृपा से ये लंकापुरी है, रावण का पुरी है, यहाँ पर कहाँ संत का दर्शन हो सकता है जहां पर भगवान का नाम गंध तक भी नहीं। कहते आपने यहाँ पर श्री राम कैसे लिख लिया? तो प्रश्न है, कहते यहाँ पर तावर घर के सामने लिखा हुआ श्री राम लिखा हुआ, ये कैसे राम लिख लिया? कह देखो यहाँ पर सिखा रहे हैं भक्तों को कैसे भक्ति करनी चाहिए। कह रावण ने कभी पूछा? बोले विभीषण तुम्हारे शत्रु का नाम कैसे यहाँ लिख दिया? राम, श्री राम कैसे? बोले राम कहाँ? राम, बोले ये राम लिखा, श्री राम लिखा हुआ, बोले श्री राम का थोड़ी नाम है। बोले किसका? बोले मैं अपना भाभी भैया को बहुत प्रेम करता हूँ ना, बोले उनका नाम लिखा। बोले कैसे? बोले आपका नाम रावण, रावण का पहला अक्षर रा और भाभी का नाम मंदोदरी, पहला अक्षर मा श्री राम। भाभी भैया का नाम, मैं भाभी भैया को ज्यादा प्रेम करता हूँ ना, इसे यहाँ पर श्री राम नाम लिख करके रखा। यहाँ पर सिखा देते हैं अगर किसको भक्ति करना है, हाँ ये भक्ति करने के लिए ये तरीका बता रहे हैं, किसी तरह से अपना, हमें अपना मतलब निकाल लेनी चाहिए, किसी तरह से प्रभु का भजन हम कर लेंगे। हाँ, इसलिए राम लिखा। इसे कहते लंकापुरी में थोड़ी देर भगवान का भजन कोई नाम होता है, इसलिए विभीषण कह रहे हैं लंकापुरी में भी जब प्रभु का राम की कृपा होता है तब जीवन में संतों का दर्शन हो जाता है। इसलिए आज मैं भरोसा हुए हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिला नहीं नहीं संता। आज मेरे को भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हो गया है? लंका जैसे पुरी में, रावणपुरी में संत दर्शन, और राम के सबसे प्यारे संत, सबसे बड़ा उनका जो निकट का हनुमान जी, इनका दर्शन यहाँ मिला। ये श्री रघुवीर का ही कृपा है, तभी तो संतों का दर्शन हमें मिला है। हमको भरोसा हो गया है प्रभु जल्दी मिलने वाले है। हाँ, राम प्रभु जल्दी मिलने वाले। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी को, नारद जी को स्वयं भगवान वसुदेव महाराज कह रहे हैं। तो उन्होंने उनको उन्हें प्रश्न करते हैं। वसुदेव महाराज ने प्रश्न किया, बोले हे नारद जी, हम बड़े दुर्भाग्य हैं, हमने कभी कृष्ण सुता पर रूप में कभी भजन किया भगवान को, लेकिन भगवान जो मेरे को दर्शन दिया, कहाँ भक्ति मांगनी चाहिए, सेवा, लेकिन हमने प्रभु से क्या मांग लिया? प्रभु आप जैसे एक बेटा हमको चाहिए। देखो मैं अब फिर फंस गया ना संसार में, बेटा मांग लिया, कहाँ भक्ति मांगनी, सेवा मांगना था। भगवान से बोला आप जैसे हमें एक बेटा दे दो। यद्यपि ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये वात्सल्य रस की भावना है, तब भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। भगवान को दर्शन करके हमको ये किसी दुनियादारी चीज हमें नहीं मांगनी चाहिए, हमको भगवान की सेवा, उनकी भक्ति, संतों के संग मांगनी चाहिए। इसलिए फिर मैं फंस गया हूँ माया में। इसलिए वसुदेव महाराज प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके बोलो जीवन में हमें शांति कैसे मिले, जीवन में हमें शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले, आप कृपा करके बताओ। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न किया, तब नारद जी ने कहा, हे वसुदेव महाराज, एक समय नेमि महाराज का दरबार में कभी नवजोगेंद्र पहुंचे, कभी हवि अंतरिक्ष प्रभु पिपलानंद, बड़े बहुत बड़े बड़े मंत्र द्रष्टा ऋषि, बड़े बड़े संत थे। कभी उनका दरबार में जब पहुंचे, नेमि महाराज इनको दर्शन करके, मतलब आज इनके दरबार धन्य हो गया है, संतों का दर्शन, संतों का चरण धूलि पड़ा। तो उन लोग नेमि महाराज भी नवजोगेंद्र को उन्होंने 9 प्रश्न किया था। उसका जो प्रथम जो प्रश्न था, ये नवजोगेंद्र, ये नवजोगेंद्र उन्होंने सभी को उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है। जो कभी है उनको उन्होंने प्रश्न किया था, जीवन में हमें शांति कैसे मिले, इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर में तब श्री कभी उत्तर देते हैं। तो कभी उत्तर देते हुए कहते हे नेमि महाराज, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम श्री सद्गुरु की चरण आश्रय ग्रहण करनी चाहिए सबसे पहले। इसलिए उस श्लोक मेरा याद नहीं आ रहा है, उस श्लोक मेरी याद नहीं, कहते भक्तैक एषम गुरुदेवतात्मा, हाँ, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् इसात् अपेत विपर्जय स्मृति। इसका मतलब है जीव को दुख कष्ट कब मिलता है? दुख तभी मिलता है जब जीव भगवान को भूल करके, कहते जीव का जो सृष्टि है वो तटस्था शक्ति से सृष्टि है। तटस्था मतलब है तट, किसको कहते, जैसे पानी और स्थल, स्थल और जल, उसका जो बीच का जो रेखा को उसको तट कहते हैं। तट मतलब है जब पानी होता है वो स्थल को कवर कर लेता है, फिर जब नीचे उतर जाता है फिर स्थल हो जाता है, हाँ, उसको जो एक रेखा को उसको तट कहता है। कभी जीव का जो सृष्टि है वो तटस्था शक्ति से जीव का सृष्टि है। कभी जहां पर एक तरफ माया की जगत और एक तरफ में भगवान का जगत है, कभी उसका बीच से सृष्टि हुआ है जीव। जब बीच से सृष्टि हुआ, एक तरफ में दिखाया प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश किधर है, जिधर भगवान का राज्य है, उस तरफ में एक साधु खड़ा हुआ है और दिखा रहे हैं रास्ता एकदम सीधा जहां पर राधा कृष्ण का चरण है। दूसरे तरफ में दिखाया घोर अंधकार है, घोर जंगल है, जिसमें बाघ शेर बिच्छू भालू भयंकर जहां पर जीव जंतु है, और उधर एक माया खड़ी हुई, वो माया उसको इधर बुला, बोले तो इधर आ जा, और इधर जो खड़े हुए साधु खड़ा हुआ, बोले उधर मत जा, देख रहे हो ना कैसे अंधकार अंधकार है और बड़े भयंकर जीव है, अगर उधर जाओगे बड़ा कष्ट भोग करोगे, इसलिए देख इधर प्रकाश प्रकाश है, सीधा रास्ता राधा कृष्ण के पास पास में, अगर तू इधर आ जाओगे ना सीधा प्रभु के पास में जाओगे। वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, इधर देखता है साधु बुलाता, उधर माया बुला रही, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन जीव वो माया में छलांग लगा, वो प्रकाश का तरफ नहीं गया, जिधर साधु बुला रहे उधर नहीं गया, वो माया की तरफ नहीं गया। बोले कारण क्या,
मेरा कारण यही है कि जो जीव है वो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा जीव है, होने का नाते उसको माया आसानी से कैप्चर कर लेता है, आसानी से उसको पकड़ लेता है। हाँ, इसलिए कोई कोई दुर्लभ भाग्यवान जीव उस तरफ में जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर इधर गए, उसमें हम सबके साथ, जिसमें माया की चाकचक्य ऊपर का सौंदर्य हमने देख लिया, देख कर सोचा बड़ा आनंद है। उदाहरण दिया जैसे सोने का कलसी है, हाँ, लेकिन उसमें जहर भरा भरा, उस तरफ माया का जो रूप ऊपर का जो रंगचंग है वो बड़ा सुहावना, लेकिन जब हाथ डालकर देखते हैं केवल जहर जहर, और उसमें और कुछ नहीं, लेकिन जीव जहर में ही छलांग लगाया। हाँ, ये कहते भयम द्वितीया भी निवेश, भय कब, दुख कष्ट कब मिला उसका, जो प्रभु की भजन छोड़ करके जो दूसरा अभिनिवेश जब माया के प्रति गया। हाँ, अभी प्रश्न करते, अभी तो जीव माया में आ गया है, हाँ, अभी करेगा क्या, ये माया से उधार कैसे होगा। बोले भक्त एसम गुरुदेव तात्मा, फिर जीव जब अपना गलती को समझ करके फिर सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए जब फिर जीव भगवान की भजन करने लग जाता है, पर उसको भाई माया खत्म हो जाता। भगवान कहते हैं कृष्ण तारे देन निज चित शक्ति बल, जीव जब माया को जो पीछे करके जब भगवान को तरफ में मुंह मोड़ दे, लेकिन अभी हम भगवान माया की तरफ में मुंह कर दिया और भगवान को पीछे कर दिया, करने का ना कि दुख है, लेकिन जब फिर जीव गलती समझ करके माया को पीछे कर देता है और भगवान के तरफ में मुंह कर देता है, जब मुंह करता है, जब भगवान को भजन करता, माया जीव तो बहुत छोटा है, लेकिन होने पर भी जब भगवान की भक्ति करने लग जाए फिर भगवान अपना शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्ति पा करके अभी जीव बलवान हो जाता है, उसको बलवान हो जाता है, माया के साथ में लड़ाई करने का, युद्ध करने का, जितने का शक्ति मिल जाता है, शक्ति करके फिर भगवान की भक्ति करते 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 जीव है प्रभु के पास में चला जाता। अभी जाएगा कैसे उसका यहाँ पर क्रम बता रहे हैं, इसलिए अभी सदगुरु चरणाश्रय करते हुए अभी जीव को भक्ति करनी चाहिए। कल भक्ति कैसे करनी चाहिए तो वहां पर बताए, कहते हमें जो कुछ करे, यहीं से शुरुआत हुआ भक्ति है, बोले हमें जो कुछ करे का, का, का कर्मणा मनसा बाचा, बोले काय मन वाक्य से हम सारे कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य से, कर जब ये सारे कर्म को वो भगवान के लिए करने लग जाए, अभी हम शरीर के लिए संसार के लिए कर रहे हैं, दुनियादारी के लिए शरीर को मैं मेरा मान करके मैं करता है हम लोग, इसलिए कहते बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, इसलिए जब हम मैं छोड़ दे, छोड़ करके सब भगवान के मानने लग जाए, सब कुछ ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का द्वार, ठाकुर जी का संसार, हम सब कुछ जो कुछ करे भगवान के लिए ही करे। हाँ, कि जत करो सी जत सनासी, जस जोह सी जदासी जत, जस तपस कौंतीय तत्कुर समर्पण, जब भगवान के लिए सब कुछ काम करने लग जाए सारे इंद्रियों को द्वारा। हाँ, फिर क्या हो गया, फिर वो कर्म नहीं रह गया, वो हो गया भक्ति हो गया है, सबके सब क्यों हम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। फिर बोले श्रीन सुभद्राणी रथांग पाणी जर्माणी कर्माणी चान लोके, क्या कर उसके बाद में, बोले श्रीन सुभद्राणी रथांग पाणी, फिर भगवान की कथा सुनने लग जाते, कहते वो कैसे, बोले रथांग पाणी, कहते जिनका हाथ में सुदर्शन चक्र, जिनको साथ हाथ में, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कभी कथा नहीं कभी ये चक्र है, चक्र क्या करता काटता है, उसी तरह जब हम कथा श्रवण करने लग जाते हैं, ये कथा सुनते सुनते सिर्फ धीरे धीरे माया धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे जितने भगवान की कथा सुनेंगे क्या होगा कथा का फल, धीरे 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 जिसकी कथा हम सुनेंगे धीरे धीरे उनका प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। हाँ, जिसको हम कथा सुनेंगे उसका ही तो प्रेम बढ़ेगा प्रति, इसलिए कृष्ण कथा सुनते 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 जैसे रुक्मिणी कहती है, कृष्ण के पास में रुक्मिणी जो पत्र लिखी, बोले हे प्रभु जिंदगी में कभी आपने आपको मैंने देखा नहीं, आप तो मेरे को कभी देखे हुए नहीं, लेकिन जो मैं बच्ची थी वो नारद जी आकर आपकी कथा सुनाया करते थे मेरे को, और आपकी कथा सुनते 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 प्रभु आप तो मेरे रोम रोम में बैठे गए हो, कण कण में आप मेरे बैठे गए हो, इसलिए मैंने सुना आप पुरुष सिंह हो, पुरुष तम आप हो, अगर जगत में कोई पति होने का लायक केवल आप ही हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप आप ही हो, इसलिए हे प्रभु जब तक मैं आपको पत्नी पति रूप में प्राप्त नहीं करूंगी, लेकिन ये सियालों को मैं ग्रहण नहीं करूंगी, कहती शिशुपाल सियाल है, आप पुरुष सिंह हो और शेर का हिस्सा
अगर कोई सियार ले लिया बदनामी किसकी है, सिंह का ही बदनामी है। मैं तो आपकी हूँ, मैं हूँ। अगर आप मेरे को कोई दूसरे अगर ले गया तो ये आपकी बदनामी है। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके हमको यहाँ से उतार करो। इसलिए कहते भगवान की कथा सुनते 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 उनके चरण में हमारी प्रेम बढ़ती उनके चरण में। इसलिए धीरे धीरे भगवान की कथा सुनते 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 प्रेम धीरे धीरे बढ़ते जाता है प्रभु का प्रति, और धीरे 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 उसका अनर्थ नष्ट होते जाता है, अनर्थ नष्ट होते जाता है। जब धीरे धीरे अनर्थ नष्ट होता है तब कहते हैं एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जात अनुराग कृतचित उच्च। फिर धीरे धीरे प्रभु का चरण जो प्रेम बढ़ेगा फिर जीव क्या करता है उनको नाम करता है प्रभु का, कृष्ण नाम करता है। कृष्ण नाम करने का क्या फल है, तब कहते हैं जब प्रभु का नाम करते हैं कहते एवं व्रत, कहते भगवान का नाम ही उसका जीवन था, व्रत हो जाता है। जैसे महाप्रभु बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। महाप्रभु करे बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महातंत्र। महाप्रभु घर ने ये महामंत्र दिया है, क्या करो बोले इहा जप गया सबे करिया निर्बंध, ये नाम को नियमित पूर्वक करो। हाँ महाप्रभु निर्बंध शब्द पर 1,00,000 कम से कम करो। महाप्रभु कहते 1,00,000 हरि नाम करो। महाप्रभु कहते हैं जो 1,00,000 हरि नाम नहीं करते उसका दिया हुआ हाथ का चीज में ग्रहण नहीं करता हूँ। हाँ इसलिए आप बोले 1,00,000 कैसे करेंगे, हमारा संसार रहता हूँ बच्चे संसार दुनियादारी इतना है, 1,00,000 हम नाम कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं हम कर सकते हैं, इच्छा करते कर सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है इच्छा के ऊपर में हमारी कितना इच्छा है। तो वो कहते हैं आपको सोने के लिए कितना घंटा चाहिए, 6 घंटा 7 घंटा सो बहुत है, काम करने के लिए 8 घंटा 10 घंटा करो बहुत है। देखो तब भी आपको कितना समय मिलता है, देखो तभी 8 घंटा 10 घंटा समय तभी मिलता है। इसलिए इच्छा कर तो हम 1,00,000 नाम अच्छे तरह से कर सकते हैं। अगर बहुत काम किसको संसार में, फिर महाप्रभु कहते हैं क्या करो कि भोजने कि शयने कि वा जागरणी अहर्निश चिंत कृष्ण बोलो वदन। महाप्रभु कि सते समय क्या चलते समय काम हाथ में करो और मुंह में भगवान का नाम करो। जैसे गोपियां घर का काम करती हैं लेकिन इधर क्या करती हैं बोले गोविंद दामो धर्मान लेती, गोविंद दामो धर्मान लेती, गोविंद दामो धर्मान लेती, गोविंद दामो धर्मान लेती। बच्चों को थप थप लाग रहा सिला रही तभी कीर्तन गाते हे कृष्ण हे गौ जादव हे सखेती, गोविंद दामो धर्मान लेती, गोविंद दामो धर्मान लेती, गोविंद दामो धर्मान लेती। कीर्तन कर रही घर में झाड़ू लगा रही है, हाँ भगवान का कीर्तन कर रही है। इसलिए कहते अगर इच्छा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है कि सारे काम कर लेगा, टीवी देख लेगा, पार्टी में चले जाएगा, सब काम कर लेगा, लेकिन बोलो भजन करने के लिए बोले ये नहीं हो सकता है, टाइम नहीं। हाँ इसलिए प्रभु, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो और अपना जुती लो, अपना जुती लेकर सब बार अपना सिर पर मारो, क्योंकि ये मन बड़ा दुष्ट है। हाँ ये भक्ति करना नहीं चाहता, सब कर लेगा लेकिन प्रभु का भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगी। ये जुती को लेकर मारो अपना मन को, उसके लिए वेट करेंगे कि टाइम आएगा तो करेंगे और सब काम अभी कर लेंगे। इसके लिए तो टाइम नहीं आएगा, भक्ति के लिए तो बहुत टाइम आएगा। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते एवं व्रत, जब जीवन में हम भगवान का नाम को ही हम व्रत कर ले। कहते कौन सा नाम, यद्यपि भगवान का बहुत सारे नाम है, कहते सुप्रिय नाम अपना प्रिय नाम, अपना प्रिय नाम जैसे हमारे हमारे लिए हमारा जो प्रिय नाम है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा प्रिय नाम है। सुप्रिय नाम कृत्वा फिर क्या होगा, इसका फल क्या है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कभी कभी ये नाम अच्छा नहीं लगेगा,
तब उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने एक सुंदर रूप गोस्वामी उदाहरण दिया, स्याद कृष्ण नाम चरित अविद्या रसने न रोचिकानु। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कभी कभी इसको पीलिया रोग हो जाए ना, हाँ पीलिया रोग हो जाए, और मिश्री तो मीठा है लेकिन जो मिश्री भी उसको कड़वा लगती है क्योंकि उसका जीवा हो गया कड़वा, वो जो कुछ गाएगा वो सब कड़वा, रसगुल्ला भी उसको कड़वा लग गया, हाँ लेकिन तुम्हारी बीमारी सही हो गया पता कैसे चलेगा, तभी पता चलेगा डॉक्टर लोग बोला करते थे पहले, अभी तो बहुत दवा निकल गया, पहले बोले तो मिश्री चूसा करो, मिश्री चूसते चूसते जब देखोगे पहले तो कड़वा लगेगा लेकिन छोड़ना नहीं, लेकिन चूसते जब बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगा ना देखोगे मिश्री मीठा लगने लग गया, जब मीठा लगने लग जाए समझना बीमारी तुम्हारी सही हो रही, बीमारी सही हो रहा है। कि उसी तरह जो भगवान का जो नाम है जो गुण है भगवान की जो कीर्तन है, कहते मधुरम मधुरम मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फल चीत स्वरूपम सकृदपि परिगितम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्र तारेत कृष्ण नाम। कृष्ण जो नाम है कहते सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है सार भगवान का नाम, इससे मीठा जगत में कुछ नहीं है, इससे मधुर जगत में कुछ नहीं है, इससे मंगल जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे मंगल है भगवान का नाम है। लेकिन कभी कभी हमको कड़वा भी लगती है, भाई बोलो नाम करने के लिए कितना समय हो गया, ये खत्म नहीं हो रही माला, प्रसाद ठंडा हो रहा है, माला खत्म नहीं हो रही है। हमको रुचि नहीं लगता है, क्यों रुचि नहीं लगता, कहते हमारा जीवा कड़वी हो गई है, बोले कैसे, बोले रोग से बीमारी से जन्म जन्मांतर से भगवान को भूल करके संसार में आकर हमारा जीवा कड़वा बीमारी हो गई, हमको जल्दी से बीमारी हो गई, इसलिए भगवान का आप नाम अच्छा नहीं लगता। कहते उसका उपाय क्या है, कहते उसको उपाय है, तब कहते स्याद अनुदिनात आदरात, प्रभु गोस्वामी कह रहे हैं आदर करके लो, हाँ पहले अच्छी तरह लगेगी नहीं, नहीं लगने पर भी जोर जोर करके हरि नाम करो, जैसे बच्चा पहले स्कूल भेजो जाना नहीं रोता है, हाँ भैया क्या करती है जोर कर पकड़ कर ले जाइए और उसको साथ में एक घंटा बैठे बोल बैठ करके और उसको टफी जत्ता छुट्टा चल कर लोग दिखाएगी, अगर जाओ तो तुमको ये दिलाएंगे ये दिलाएंगे लोग दिखा कर जाएंगे, जब कुछ दिन चाले लगता है ना तब देखता बराबर उम्र के बच्चों खेलते कूदते और उसका मन लग जाता है धीरे धीरे, तभी उसको जाने से पहले माँ उसको स्नान कराती है सब सब कुछ रेडी कर देती है। लेकिन जो वही बच्चा जो पढ़ने बैठने लगे पढ़ना तो नहीं चाहते, भाई पढ़ो पेपर आ गया उठा करके जोर जबरदस्ती पढ़ाती है, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ा हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है बोलने का जरूरत नहीं, फिर दस दस पंद्रह पंद्रह घंटा रटता है, हाँ रटते रहते पेपर आ गया, पेपर से पहले रात भर सोएगा नहीं, फिर उसको बोलना नहीं पड़ता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। कहते उसी तरह जो भगवान का नाम अभी अच्छा नहीं लगेगा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आदर करते करते करो, इतना पर मीठा लगने लग जाएगी, इतने मीठा लगने लग जाएगी, ये संसार लगेगा जहर है, लेकिन समय हम बर्बाद हो रहा है, ये बेकार आदमी आकर बेकार बकबक करके समय को बर्बाद को, समय मिले हम तो प्रभु का भजन करेंगे थोड़ा नाम करेंगे, हाँ ये दुनिया की बात उसको इतने जंजाल लगेगा, बोले कहाँ से चेहरा आ गया बेकार लोग आकाश से आ गए। प्रभु गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे भजन कर 24 घंटा प्रभु का भजन में डूबे जाते थे, हरिदास ठाकुर 3-3 लाख हरिनाम करते थे, कभी एक आधा घंटा सोए तो उसमें भी राधा कृष्ण का स्वप्न दर्शन मिलता था, हाँ इसलिए ऐसे करते करते जब धीरे क्या होगा एवं व्रत सप्री का नाम जाता अनुराग, धीरे 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 उसमें हमारा अनुराग आएगा उसमें प्रेम आएगा, फिर अनुराग प्रेम आएगा तो क्या होगा जाता अनुराग द्रुतचित उच्च, उसका फिर भगवान के नाम लेते लेते उसका जो हृदय है द्रुतचित, द्रुतचित मतलब उसका नाम लेते उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, हाँ हृदय में बड़ा रस आएगा, फिर जब ऐसे रस आने लग जाएगा फिर फल क्या है बोले हसत्यथ रसिका, हसिका में पागल गया तो नहीं, बोले नाम करते करते हृदय जब निर्मल हो जाता है, महाप्रभु ने बताया चेत धर्म परमार्जनम हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, भव महादावाज में निर्भावनम सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम भगवान का नाम रूपी
जब रोशनी, जब किरण हृदय में पड़ेगा, हृदय रूपी कुमुदिनी खुल जाएगा। हाँ, इसलिए विद्या का बुद्ध का जीवन स्वरूप है, प्रतिपद पद में नए नए आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे एक दिन होगी पूरा कृष्ण रस में सराबर हो जाओगे। हाँ, इसलिए जब ऐसे हो जाता है, क्या होता है, जैसे टीवी में हम सीरियल होता है, सीरियल आता है ना, क्योंकि बोलते रहे साधु लोग, हम तो अपना बीवी बच्चों में मन लगा देते हैं, नहीं तो हम टीवी खोल कर बैठ जाते। लेकिन ये दिन भर महाराज करते क्या, ये दिन भर क्या हरे कृष्ण करते हैं, हाँ, इसमें मन कैसे लगता है? तो नहीं, ये नाम करते करते एकदम भगवान का लीला साक्षात रूप में हृदय में प्रकट हो जाता है। जो प्रभु की लीला दर्शन करने लगते हैं, देख देख करके आनंद में विभोर हो जाता है। तो उसमें उदाहरण दिया है, हंसता है क्यों, क्यों हंसता है? तो बताए, एक गोपी एक दिन देखा कृष्ण रोज रोज घर में चोरी करने आता है, लेकिन उसको पकड़ में नहीं आता। आज मैं किसी तरह से उसको पकड़ूंगी। वो क्या करती है, घर के एक कोने में चुप कर बैठ जाती। इतने में कृष्ण आए मक्खन चोरी करने, इधर देखा पीछे देखा, कोई है ही नहीं, देखा कोई है ही नहीं। कृष्णा भी धीरे 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 अंदर में घुसे, जाकर तो मटकी को उतारे और मक्खन खाने लग गए। गोपी कुछ बोले, मैं मक्खन खा ले फिर मैं पकड़ूंगी। जब उसने मक्खन खा लिया, इतने में गोपी पकड़ने जब गई ना, कृष्ण तो बस भागे वहां से। जब वहां से कृष्ण भागे, वो देख रहा है, साधक देख रहा है कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करने गोपियों घर में आए। और जब देखा कृष्ण कौन है, काल का जो काल है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन एक गोपी के डर से भाग रहे हैं। जब ये लीला को दर्शन करता है, हा 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 करते करते हंसने लग जाते हैं। बोले हंसत्य थ, फिर रोदती, कभी कभी रोता है, कभी क्यों रोता है, कारण क्या? बोले इसलिए रोता है, जब प्रभु तो एक बार एक झलक दर्शन दिया, फिर हृदय से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जैसे इसी जगत में देखो, इसको $1 करोड़ किसको था बैंक में, लेकिन उन्होंने सुना मेरा $1 करोड़ बैंक फेल हो गया, फिर क्या होगा, आज तो पागल हो जाएगा। बैंक फेल हो गया, सारे पैसा चला गया हमारे, हाँ पागल हो जाए, रोने लग जाएगा। लेकिन अगर फिर अगर सुनेगा, अरे नहीं, बैंक जो फेल हो गया था पैसा मिल जाएगा, और डॉलर नहीं चला और फिर मिलेगा, अरे नाचने खुशी हो जाएगा, नाचने लग जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं हंसत्य, तो मतलब जब भगवान को दर्शन करता है वो तो हंसने लग जाता है, लेकिन जब फिर प्रभु उसका हृदय में अंतर ध्यान हो जाता है, रोने लग जाता है। रोदती है तो रोती, जब रोते रोते इतने बेहाला हो जाता है, फिर भगवान दो बार कृपा करके दर्शन देते हैं। बोले नृत्यती, फिर जब दर्शन मिलता है, फिर तो हाथ उठाकर नाचने लग जाते हैं, फिर प्रभु ने दर्शन दे दिया, दर्शन दे दिया। हाँ, लोक बाज्य को छोड़ करके जमीन पर लौट बोल खाता है, एकदम कृष्ण प्रेम रस में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब भगवत दर्शन जीव करता है, कहते कितने आनंद, गोस्वामी ने बताया, कहते यहाँ पर जितना आनंद है, कहते इससे 100 गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में, स्वर्ग में सब चल, स्वर्ग में जाओ, यहाँ पर कितना आनंद देख रहे हो, बीवी बच्चों को लेकर टीवी, तब यहाँ पर दुख आनंद है, लेकिन यहाँ से 100 गुण ज्यादा आनंद होगा तो कितना आनंद होगा, स्वर्ग में 100 गुण ज्यादा आनंद है। कहते स्वर्ग में जितना आनंद है उससे 100 गुण मोहलोक में आनंद है, वहां पर जितना आनंद उससे 100 गुण तपलोक में, वहां पर जितना आनंद उसको 100 गुण सत्यलोक में, ऐसे 100 गुण बढ़ते बढ़ते जाता है एक एक लोक से। हाँ, सेलेक्टर कहते उसको जो पार हो, विरजा पार होकर के सत्व रज तम, ये तीनों को जब जो पार होकर के उसको ऊपर जाता है ब्रह्म लोक में, कहते आनंद की कोई सीमा नहीं। उसको ऊपर जब जी फिर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जिसका हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको फिर अयोध्या लोक है, उसको फिर द्वारका, फिर मथुरा, जीव जब गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण की जो सेवा करते हैं, बोले आप सोच नहीं सकते हो। उदाहरण दिया है ब्रह्म लोक में जो आनंद है, जीव जो ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हैं, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर भी कृष्ण भक्ति आनंद एक समुद्र है, जिसका एक बूंद को साथ में बराबर नहीं हो सकता। इतने आनंद इसका हम सोचने से बाहर है, इतना आनंद इसमें है। हाँ, फिर समझो भगवान का दर्शन, उनका जो प्रश्न था जीव को परम शांति कैसे मिले, तो यहाँ पर श्री कवि कवि कह रहे, इधर से नारद जी कह रहे, हे वसुदेव महाराज, जीव जब सदगुरु चरण आश्रय करके भगवान की भक्ति करके जीव जो भगवत प्राप्त करता, उसको सेवा को प्राप्त करता है, तभी जीव को परम शांति और परम आनंद तभी मिलता है। ठीक है, बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
Krishna, Hare Krishna.